दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख क्यों धारण करते थे और दोस्तों उनको बचपन में गोबर से क्यों नहलाया जाता था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो बचपन से ही उनके ऊपर बहुत सारी बुरी शक्तियों का साया पड़ चुका था, इसलिए बचपन में उनके पैदा होते ही गोबर से उन्हें नहलाया गया था। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, उन पर पूतना जैसी राक्षसी का बहुत बुरा साया था, लेकिन बचपन से ही भगवान में इतनी शक्तियाँ थी कि उन्होंने पूतना को वहीं मार डाला था। उसके बाद भी पूतना जैसी राक्षसी की बुरी नजर श्री कृष्ण पर पड़ चुकी थी, जिसके बाद उन्हें गोबर से नहलाया गया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर से बुरी शक्तियाँ हट जाती थी, जिससे यह पता चलता है दोस्तों कि गाय के गोबर में कितनी ताकत होती है। अब अगर हम बात करें कि श्री कृष्ण अपने ऊपर मोर पंख क्यों धारण करते थे, तो इसका भी एक रीजन माना जाता है कि मोर पंख लगाने से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, इसलिए मोर पंख हमेशा भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर लगाए रहते थे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए।